इस वीडियो में हम होम के जो हमारे ऑप्शंस रह गए थे आज हम उनको देखेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ऑप्शंस के बारे में बताया था, सेकंड वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में बताया था, और अब इस वीडियो में जो ऑप्शंस ये रह गए हैं आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं एक पैराग्राफ टाइप किया, पैराग्राफ लिखना जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे लेते हैं पैराग्राफ को। मान लो मैंने यहाँ पे ये 40 पैराग्राफ लिए, तो ये जो है टोटली मेरा 5 पेज पर जो है काम हुआ है। मान लो मैंने 5 पेज पे काम किया हुआ है। ओके, तो पहला होता है यहाँ पे आपका स्टाइल, ये लिखावट को बदलने के लिए होता है। जैसे मान लो मैंने 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, उसके बाद ये जो डाउन एरो है मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या है कि जैसा चित्र में दिखा रखा है क्लिक करने पे उसी हैंडराइटिंग में हो जाता है। ये सब अलग अलग तरह के हैंडराइटिंग्स हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, इंटेंसिव कोट, ये सब अलग अलग तरह के हैंडराइटिंग है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक कर देना, और पहले जैसा करना हो तो फिर आप नॉर्मल पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे चेंज स्टाइल, और इसमें आपको पहला है स्टाइल सेट। ये पूरे डॉक्यूमेंट के हैंडराइटिंग को चेंज करता है, मतलब आपने इसमें जितना भी काम किया हुआ है उन सभी के हैंडराइटिंग को ये चेंज करता है। जैसे मान लो मैंने 5 पेज पे यहाँ पे काम किया हुआ है, तो ये 5ों पेज के हैंडराइटिंग को चेंज करेगा। आपको जिस हैंडराइटिंग में भी रखना है, फैंसी, फॉर्मल, मॉडर्न, तो जो आपको अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक कर दो। और पहले जैसा करना हो तो फिर आप वर्ड 2010 पे क्लिक कर देना, इससे आपका पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल जो पहले हैंडराइटिंग था वही रहेगा। नेक्स्ट होता है यहाँ पे कलर, ये कलर्स को चेंज करता है। तो अभी ये कलर चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने कहीं पे कलर नहीं दे रखे, तो पहले आपको कलर देना होगा। जैसे मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, देखो अगर आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर 3 बार क्लिक करते हो फटाफट, 1, 2, 3, अगर आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर 3 बार क्लिक करते हो तो वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। और ये जो बोतल बन रहा है जिसका नाम शेडिंग है, और मैंने यहाँ से इसको एक कलर दिया, मान लो मैंने ग्रीन दे दिया, उसी तरह मैंने सेकंड पैराग्राफ पे भी मैंने 3 बार क्लिक किया फटाफट, तो ये सिलेक्ट हो गया। और जो भी यहाँ से कलर देना है, मान लो मैंने ब्लू दे दिया, उसी तरह मैंने इस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके कोई भी एक कलर दे दिया, जैसे ये। अब आप जो है ये कलर में जाओ और देखो इन कलर्स को ये चेंज कर रहा है। कलर को चेंज करने का मतलब है कि ये मैचिंग कलर डालता है, एक जैसे कलर डालता है, मतलब कलर को लेवल में लाता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर को रेड करेगा तो नीचे वाले को ब्लैक करेगा, ऐसा नहीं है। ये मैचिंग मैचिंग कलर डालता है, मतलब कलर कॉन्ट्रास्ट को ख़त्म करता है, कलर को लेवल में लाता है। पहले जैसा करना है तो फिर आप ऑफिस पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट होता है ये फॉन्ट, फॉन्ट भी आपका बिल्कुल स्टाइल सेट की तरह ही होता है। जैसे इसमें हमने लिखावट को चेंज करना देखा था, तो फॉन्ट में भी वही होता है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हमें मिल जाते हैं जिस लिखावट में आप रखना चाहते हो इसको। तो जैसा यहाँ पे भी चित्र में दिखा रखा है क्लिक करने पे उसी लिखावट में हो जाएगा, और ये भी पूरे डॉक्यूमेंट के हैंडराइटिंग को चेंज करता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस रखना है। जैसे 2 पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है तो उसको जो है ख़त्म करना है तो नो स्पेसिंग कर दो, बाकी थोड़ा बहुत गैप बढ़ाना है और बढ़ाना है तो यहाँ से आप 2 लाइनों के बीच में, 2 पैराग्राफ के बीच में भी आप जो है स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई एक हैंडराइटिंग अप्लाई किया इसके ऊपर, मान लो मैंने ये लाइक मैंने एलिफेंट एक हैंडराइटिंग इस पर अप्लाई किया, ये स्टाइल मैंने दिया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी वर्ड ओपन करूँ वो हमेशा इसी हैंडराइटिंग में रहे, तो फिर आप ये सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद फिर आप जब भी वर्ड में काम करोगे, मान लो मैंने जो है वर्ड ओपन किया और अब मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये उसी हैंडराइटिंग में हो रहा है जिस हैंडराइटिंग में जो है आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट किया था। जिस हैंडराइटिंग में ये है उसी हैंडराइटिंग में भी ये भी है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं इसको नॉर्मल किया, मान लो मैंने वर्ड 2010 पे मैंने इसको एक स्टाइल दिया, और अब अगर मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो अब मैं जब भी वर्ड ओपन करके काम करूंगा तो वो हमेशा इसी हैंडराइटिंग में रहेगा जिसको मैंने सेट एज डिफ़ॉल्ट किया है। जैसे मैंने वर्ड ओपन किया और ये देखो जो मैं काम कर रहा हूँ ये उसी इसका भी स्टाइल वही है जिसको मैंने सेट एज डिफ़ॉल्ट किया था। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद आपका फाइंड। फाइंड जो होता है किसी भी शब्द को खोजने के लिए होता है। जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया, साइड में एक बॉक्स आ गया, और जो शब्द आप खोजना चाहते हो, जैसे भाई मेरे को देखना है जो है डॉक्यूमेंट शब्द मैंने कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख दो। तो ये लिखते ही आप देख सकते हो हाईलाइट हो गए, जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है सब हाईलाइट हो गए यहाँ पे। बाकी फाइंड में और भी ऑप्शंस हमें मिलते हैं,
एडवांस फाइंड पे आप जैसे क्लिक करो, एक बॉक्स आ गया और जो भी शब्द खोजना उसके यहाँ पे नाम लिख दो, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया, और फाइंड नेक्स्ट पे आप बार बार क्लिक करते जाओगे, आपको पता चलता रहेगा कि भाई यहाँ यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट शब्द है ये लिखा हुआ है। कैंसिल से बाहर आ जाओ। नेक्स्ट होता है उसके बाद आपका यहाँ पे फाइंड, एडवांस फाइंड, गो टू, जैसे आप गो टू में गए, गो टू में होता है एंटर पेज नंबर, मतलब किस पेज पे जाना है आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 4 लिख के अगर मैं गो टू कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो जो मेरा कर्सर है वो 4 पेज पे आ गया, फोर्थ वाले पेज पे आ गया, और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेज 4, मतलब जो आप जो फोर्थ पेज पे आ गए हो। क्लोज से बाहर आ जाओ। नेक्स्ट होता है, उसके बाद होता है आपका रिप्लेस, जो होता है किसी भी शब्द को बदलने के लिए होता है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने ये डॉक्यूमेंट शब्द लिखा हुआ है मुझे इसको कंप्यूटर में रिप्लेस करना है, तो फिर आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको दो बॉक्स मिलेंगे, फाइंड वट में तो आप डॉक्यूमेंट लिखोगे और रिप्लेस विद में जिसमें भी आप इसको रिप्लेस कराना चाहते हो, जैसे कंप्यूटर। एक होता है यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, मतलब किसको पहले आप फाइंड करो जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। अगर आपने इसको रिप्लेस करना है या इसको करना है, आपको जिसको भी करना है, आप पहले फाइंड नेक्स्ट पे उस टेक्स्ट पे आ जाओ, उसके बाद आप रिप्लेस पे क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने रिप्लेस किया, तो आप देख सकते हो कि वो जो टेक्स्ट है आपका वो कंप्यूटर में रिप्लेस हो चुका है। ये देखो ये जो था ये आपका कंप्यूटर में रिप्लेस हो गया। अगर आप एक साथ सबको करना चाहते हो तो फिर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो, तो इसने टोटल 80 जो है डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर दिया है। ओके, देन क्लोज से बाहर। अब मान लो कि जहाँ जहाँ मैंने कंप्यूटर किया इनको वापस मुझे डॉक्यूमेंट में करना है, तो आप दोबारा रिप्लेस में जाओगे, फाइंड वट में अब आप लिखोगे यहाँ कंप्यूटर, और रिप्लेस विद में जिसमें भी इसको रिप्लेस कराना चाहते हो, जैसे मैं इसको पहले वाला कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, और फिर यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दो। तो आप देख सकते हो इसने टोटल 81 जो है रिप्लेसमेंट कर दी है, मतलब जहाँ जहाँ अब कंप्यूटर लिखा हुआ था वहाँ पे आपको अब डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा सेलेक्ट, और इसमें पहला होता है सेलेक्ट ऑल। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपने जितना भी काम किया वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर इसको हटाना है तो आप डिलीट का बटन दबा सकते हो, कीबोर्ड में एक बटन होता है डिलीट के नाम से, आप उसको दबा दोगे तो ये सारा लिखा हुआ हट जाएगा, और बाहर क्लिक करके आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, तो हम इंसर्ट में जब ये पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, ये आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब हम इनको पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये कैसे सेलेक्ट होते हैं। फिलहाल अभी इसको छोड़ के आप आगे बढ़ो। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने किसी भी शब्द को सेलेक्ट किया, और इसको मैंने जैसे बोल्ड किया, या और भी कोई शब्द को मैंने बोल्ड किया, या और भी किसी शब्द को मैंने सेलेक्ट करके बोल्ड किया, अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने बोल्ड दिया हुआ है मुझे वो सारे बोल्ड सेलेक्ट करने हैं। तो आप ना किसी भी एक बोल्ड को आप सेलेक्ट कर लो, जिसको भी आप किसी भी आप एक बोल्ड को सेलेक्ट कर लो, और फिर आप ये सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। तो जहाँ जहाँ बोल्ड हैं देखो ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब इसको हटाना है तो फिर आप दोबारा बी पे क्लिक कर दो। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो मैंने किसी भी शब्द को सेलेक्ट करके अंडरलाइन दिया, या इसको भी मैंने जैसे अंडरलाइन दिया, और भी किसी शब्द को मैंने जैसे अंडरलाइन दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ अंडरलाइन दिया मुझे सारे अंडरलाइन हटाने हैं, तो फिर आप किसी भी एक अंडरलाइन को सेलेक्ट कर लो, और फिर यहाँ से सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। तो ये सारे जो जिस जिसको आपने अंडरलाइन दिया था वो सारे सेलेक्ट हो गए, और दोबारा यू पे क्लिक कर दो, हट गए। ओके, नेक्स्ट होता है यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन सिलेक्शन पेन। देखो सिलेक्शन पेन जो ऑप्शन है और पेज लेआउट के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये वाला जो सिलेक्शन पेन है दोनों सेम है, तब देखेंगे इसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल उसको भी आप स्किप कर दो। सो ऑप्शंस ख़त्म हो गए, होम के ऑप्शन जो है आप यहाँ कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में बस, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे मैंने आपको एक ये बताया था, जैसे कलर मैंने बताया था कि भाई आपने जैसे कलर दिया तो ये कलर को चेंज करता है, ओके। लेकिन अगर आप किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके अगर आप उस पर स्टैंडर्ड कलर डाल देते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड कलर, अगर आप इनमें से कोई कलर दे देते हो, मान लो मैंने येलो दे दिया, तो फिर ये जो कलर है ना ये स्टैंडर्ड कलर को चेंज नहीं करेगा, उसको छोड़कर बाकी के कलर्स को आपस में मैच कराएगा। और पहले जैसा करना है तो मालूम ही आपको ऑफिस होता है। बाकी ये जो आपने कलर दिया है इसको हटाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करोगे, पूरा सेलेक्ट कर लो आप, और जहाँ से कलर दिया आपने वहीं जाके आप इसको नो कलर कर दो, तो ये कलर हट जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।